वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स डू फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फॉर नरेशन। अब सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते कौन से सेंटेंस है इसका पता होना चाहिए। एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस फीलिंग्स, ओके, विच एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स ऑफ जॉय और सोरो। वो सेंटेंस जो खुशी की या दुख की, कष्ट की फीलिंग्स दिखाते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी फीलिंग है, जैसे अगर अलास वर्ड दिया है, ओ दिया है, आ वर्ड दिया है, तो वो दुख की फीलिंग होगी, ग्रीफ की फीलिंग होगी। ब्रेवो दिया है, स्प्लेंडिड दिया है, तो वो कोई चीज हम अप्रूव कर रहे हैं, उसका एक प्रकार से अनुमोदन कर रहे हैं। ठीक है, उसके होने के लिए हम हैप्पीनेस को शो कर रहे हैं। व्हाट, जो व्हाट वर्ड दिया हो तो उसके प्रति हम आश्चर्य को, सरप्राइज को शो कर रहे हैं। हाउ और ओ वर्ड दिया होगा ऐसे सेंटेंसेस में। गुड हेवन या हुर्रा दिया हो, हुरे दिया हो, हुरे वर्ड है ये, हुरे वर्ड दिया हो तो उसके अंदर हम जॉय को, हैप्पीनेस को, खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही हार्क या हश या लो दिया हो तो हम ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अटेंशन खींच रहे हैं। हेलो दिया हो तो हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार के वर्ड्स हैं ऐसे सेंटेंसेस में दिए होते हैं, हार्क, हश, लो, हेलो, ओ, अलास, ब्रावो, स्प्लेंडेड, व्हाट, हाउ, ओ, गुड हेवन, हुर्रे। ओके, व्हाट और हाउ से क्वेश्चन भी शुरू होते हैं तो उस वक्त क्या है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होगा, लेकिन अगर व्हाट के बाद और हाउ के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अब इनको चेंज करने के लिए हम क्या है, एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करते हैं। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करते हैं। जैसे हम सैड यूज कर रहे, टोल्ड यूज कर रहे थे, आस्क यूज कर रहे थे, या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड यूज कर रहे थे पिछले सेंटेंसेस में, यहां एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करेंगे। शी सेड अलास आई एम अनडन, उसने कहा कि वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, वो सोरो तो है दुख, वो दुख के अंदर चिल्लाई, दैट शी वॉज, एम को वॉज में चेंज कर दिया, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार शी हो गया, दैट शी वॉज अनडन। ऐसे ही दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वो खुशी में चिल्लाए कि वो मैच जीत गए हैं, तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रा आगे, हुर्रे है तो क्या है, हम एक प्रकार से जॉय को शो करेंगे, हैप्पीनेस को शो करेंगे। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसका मतलब है वो खुशी के अंदर चिल्लाया, दैट वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, दे हैव वॉन को हैड वॉन में चेंज कर दिया, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में हमने चेंज कर दिया, कोमा को हटाने के लिए हमने दैट लगा दिया। ऐसे ही ये सेंटेंस है, जैसे हिज फादर सेड स्प्लेंडेड ही टॉप्ड द मेरिट लिस्ट, उसके फादर ने बोला कि उसने मेरिट लिस्ट को टॉप किया है। स्प्लेंडेड होता है बहुत अच्छे, तो क्या हो जाएगा, हिज फादर अप्लॉज्ड, ठीक है, अप्लॉज्ड मैंने उसकी प्रशंसा की, दैट, अब स्प्लेंडेड वर्ड का मीनिंग है वो अप्लॉज्ड में आ गया है, ठीक है, दैट कोमा को हटाने के लिए लगा दिया हमने, दैट ही हैड टॉप्ड द मेरिट। अब देखो ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस लगाया हुआ है, सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। द पोएट सैड हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, ठीक है, यहां पर इज वर्ड है वो यहां आएगा, यहां मिस्टेक की हुई है, ठीक है, हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, कितनी अच्छी बारिश है। द पोएट एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कवि ने मतलब हैरानी के अंदर चिल्लाया, दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटिफुल, की बारिश बहुत अच्छी है। ऐसे ही द कॉन्विक्ट
सैड कैदी ने कहा आई हैव कमिटेड ए सिन कि मैंने एक पाप किया है. सिन पाप होता है. द कॉन्विक्ट कन्फेस्ड. कन्फेस करना होता है स्वीकार करना. द कॉन्विक्ट कन्फेस दैट ही हैड कमिटेड ए सिन. आई फर्स्ट पर्सन है. कॉन्विक्ट कैदी के लिए ही आएगा. ठीक है. कमिटेड हैड कमिटेड में चेंज हो जाएगा. जैसे शी सैड फेयरवेल माई फ्रेंड. उसने कहा कि आपका स्वागत है. ठीक है. शी सैड फेयरवेल माई फ्रेंड. इसका बनेगा आपकी विदाई है. तो शी बेड फेयरवेल टू हर फ्रेंड. उसने अपने फ्रेंड्स को अलविदा कहा. तो स्टूडेंट ये आपके नरेशन है. ठीक है. पांचों टाइप के सेंटेंसेस मैंने करवा दिए हैं. इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे. आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा. आपने इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है. थैंक यू सो मच.